वीरेंद्र शास्त्री को शादी के बहुत प्रस्ताव आ रहे हैं। मतलब आपने भी कई इंटरव्यूज में ये भी कहा है कि जब भी कोई प्रस्ताव आता है तो वो कहते हैं कि उनकी जो माँ है उनसे आप जाके जरा बात कीजिए। मतलब कई सारे प्रस्ताव आ रहे हैं, कुछ दिल्ली से, कुछ मुंबई से, मतलब अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। तो जरा हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सच में धीरेन्द्र शास्त्री के लिए इतने सारे प्रस्ताव प्रपोजल्स आ रहे हैं लड़कियों के? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, आते हैं प्रस्ताव और दिल्ली से, महाराष्ट्र से, कई जगह से प्रस्ताव आए हैं और वहाँ की जो माताओं के कॉल आते हैं तो वो हमसे बोलती हैं कि भैया आप जो है गुरुजी की माता जी से कृपा करिएगा बात करवाने की। तो इस विषय को लेके जो है एक दो बार चर्चा भी की गई है, बट महाराज जी जो है इस चीज को टालते हुए नजर आए हैं कि आज अच्छा, कभी मेरे आपने पास उनसे बात की इसके बारे में, क्योंकि आप उनके दोस्त हैं तो आपने भी समझाया होगा कि अब शादी कर लेना चाहिए, तो कभी कोई चर्चा हुई? जवाब क्या देते हैं शास्त्री जी? मैंने अपने विवाह की समय जो है उनसे कहा था कि यदि ये सनातन को बढ़ाने का कार्य कंटिन्यू करना है और यदि आप समझे तो मैं भी ग्रस्त मार्ग में नहीं जाऊं, ये आप मुझे मार्गदर्शन करी। तो उन्होंने कहा था कि नहीं भैया, समय के हिसाब से जो है हर चीज का एक महत्व होता है और आप जो है ग्रस्त जीवन में प्रवेश करें, मैं भी आपके पीछे रहूंगा। तो अच्छा, ये उनका कहना था। अब आगामी समय में क्या होता है ये, मतलब अभी तक शास्त्री जी को आपके दोस्त को कोई लड़की भाई नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे अपन, क्योंकि आप देखें सोशल मीडिया पर आए दिन जो है उनकी शादियां होती हैं और तमाम प्रकार की, चाहे वो बहनें हों, बच्चियां हों, उनका फोटो जोड़ दिया जाता है। तो सोशल मीडिया ये थोड़ा सा मनोरंजन में भी मुझे लगता है लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के सामने जाके बैठ के चर्चा होती है तो उसका व्यक्तित्व पता चलता है कि वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मतलब शादी करेंगे, जल्द शादी करेंगे शास्त्री जी? अभी तक तो मुझे ऐसा निजी अनुभव नहीं हो पाया है, इसलिए नहीं हो पाया। हालांकि उनके जो गुरुजी हैं राम भद्राचार्य जी, उन्होंने जो है उनसे बोला है माता जी से कि, और माता जी ने निवेदन भी किया, लेकिन ये बार अभी तक एक भी प्रतिशत कहीं से ये अंदाजा नहीं किया जा रहा है कि वो ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने के चांस। अच्छा, मतलब अभी तक कुछ ऐसा जो मेरा विवेक है, मैंने ये महसूस किया।